अच्छा जी दोस्तों, तो मैं यहाँ रानी गुल बेगम के मकबरे के पास हूँ और इनकी फैमिली से मुझे एक बंदा मिला है जिनका नाम है अहमद। और अहमद जो है वो हमारे साथ हैं, तो अहमद जो है वो हमें थोड़ा विज़िट भी कराएंगे अंदर जो मकबरा है और थोड़ी सी हिस्ट्री का भी बताएंगे। तो ये है हमारे अहमद भाई। तो अहमद, ये जो मकबरा है इनकी क्या हिस्ट्री है और आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसे बनता है? एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री राजा रणजीत सिंह जिनकी वाइफ थी गुल बेगम, तो ये वहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। अच्छा, रणजीत सिंह की वाइफ थी? हाँ जी, रणजीत सिंह की मुसलमान बेगम एक ही थी। अच्छा। और वो ये थी। अच्छा। राजा रणजीत सिंह की, ठीक। तो उन्होंने फिर जो उनको ज़मीन दी थी, यानी जिस तरह बाकी रानियों को जो भी देते हैं, वो उसमें ये खाली बाग नहीं था, ये हमारी 3 गलियाँ। अच्छा। ये प्रॉपर उनकी ज़मीन जो थी। अच्छा। ये थी, फिर कुछ हमारी हवेलियाँ थी जो यहाँ पर नहीं थी, वो रंग महल उस वाली साइड। अच्छा, उस साइड पर। हाँ, अब तो नहीं है खैर। सही। क्योंकि वो बेच दी हमारे बड़ों ने। ठीक हो। तो फिर ये, और ये रानी ने अपना मकबरा यहाँ पर बनवाया था इस जगह पर। सही। तो आपका रिलेशनशिप इनके रानी, हाँ, रानी का अपना तो कोई यानी बच्चा ऐसा नहीं था। हाँ। तो फिर उन्होंने बच्चा लेके पाला था, जिसको ले पाला भी जैसे कहते हैं, बच्चा लेके पाला था और वो उन्होंने सारी जायदाद उसके नाम। अच्छा, अडॉप्ट किया था। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उनका क्या नाम था जिन्हें अडॉप्ट किया था? उनका नाम सरदार खान। सरदार खान, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे सरदार खान की आप उनकी हम सारे खान ही हैं, उन्हीं की नस्ल्स हैं आप लोग सारे। तो चलें जी अहमद भाई, आपके साथ हम चलते हैं और ज़रा मकबरे को भी हम अंदर से भी देखते हैं और देखते हैं कि ये किस हालत में है। और अच्छा जी, तो ये सामने हमारे अहमद भाई खड़े हुए हैं और अब हम इनसे थोड़ा सा और डिटेल में पूछते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू तो हमने कर ही लिया जगह का। अच्छा अहमद, ये मुझे बताएं कि ये जो ये वाला मकबरा है जी, यहाँ पे ये रानी गुल बेगम का है? रानी गुल बेगम की इसके अंदर कब्र है। अच्छा, इसके अंदर कब्र है। और ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पर है, उसने बेटा अडॉप्ट किया था इसके अंदर, इसकी क्या है? सरदार खान को। अच्छा, उनकी कब्र इसके अंदर है? हाँ जी, एक कब्र उसके दरमियान वाली कब्र उनकी है। हाँ। जो 2-3 कब्रें हैं एक्चुअली इसके अंदर। अच्छा, आओ चेक करें अंदर।
आ जाओ आप आगे आगे चलो ना, ताकि गाइड भी होता रहे हमें। और नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, हम गन में भी चले जाएंगे अगर कोई मसला ना हो तो। हॉन्टेड तो नहीं है? नहीं नहीं चलो बस ठीक है ठीक है। अच्छा ये जो बीच वाली कब्र है ये सरदार खान साहब की है, ठीक हो गया ना। और ये अब हम ज़्यादा आगे जा नहीं सकते क्योंकि झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और ये राइट साइड वाली जो कब्र है ये इनकी दोनों बीवियाँ थी। अच्छा ये इनकी दोनों बीवियाँ थी, ठीक हो गया। और एक जो है यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर है, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आपको इस तरीके से करके दिखाएं तो ये इनकी यहाँ पे ये सरदार खान साहब की दो बीवियाँ और ये इनकी कब्र है, ठीक हो गया। और सामने जो है बिल्कुल जो आपको मकबरा नज़र आ रहा है वो है रानी गुल बेगम का, इनकी कब्र जो है वो इसके अंदर है। तो अपने दौर की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये इमारत बनी हुई है। और ऊपर जो इसके ये गुंबद के ऊपर जो बना हुआ है वो बेसिकली ये सिखों के दौर का बना हुआ है ना सारा, जाहिर है ये आर्ट उस वक्त सिखों वाला ही आर्ट है, सिखों वाला ही आर्ट है ना सारा, ये वही आर्ट। हाँ ये वही आर्ट है सारा, जैसे गालबन ये गुरुद्वारे के ऊपर भी इसी तरीके से होता है कि नहीं, ये थोड़ा सा आर्ट देखें यहाँ पे जो कि अभी बहुत सस्ता हालत के अंदर है और इसे मरम्मत की भी बहुत शदीद ज़रूरत है। और ये सारे दरवाज़े और हर चीज़ उसके बाद मेरे ख्याल है रेनोवेट तो नहीं हुआ भाई, एक आध दफ़ा भी रेनोवेट हम ही करते हैं। अच्छा आप लोग खुद ही करते हैं? जी हम खुद ही करते हैं। सही, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आती? नहीं गवर्नमेंट की सपोर्ट हम लेना भी नहीं चाहते वो फिर। अच्छा लेना भी नहीं चाहते, क्यों? वैसे ही वो फिर वो पूरा ही उनकी चीज़ों में चला जाता है ना। अच्छा, और अगर कोई आए भी कभी फंड आते हैं हाँ। जिस तरह आते हैं हाँ DCAC के पास अगर कभी फंड आ भी जाते हैं तो वो कभी आ भी जाते हैं कि हाँ। DCAC खुद भी आ जाते हैं हाँ। कि हमने क्या कहते हैं तो फंड्स लगाने, मगर वो फंड्स कभी आज तक हमारे तक पहुँचे नहीं। अच्छा आप लोग तक पहुँचे नहीं है, सही। तो ये अंदर तक भी जा सकते हैं, देख सकते हैं अंदर तक? कभी इसकी मेरे पास की नहीं है, वो बड़ों के पास होती है। यहाँ तक तो मैं खोल के दिखा देता हूँ कि कमरे हैं, कोई ना कोई आता रहता है, अगर मुमकिन हो तो खोल के। नहीं वो इधर होते नहीं है। अच्छा वो है ही नहीं यहाँ पे? इधर नहीं है, उनका घर और है। अच्छा उनका घर और है? हाँ जी। अच्छा तो अंदर जो है हम जा नहीं सकते? वैसे आप ये सुराख से देखने काम नहीं कर रहे? अगर तो चाबी मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता, ताकि हम ये दिखा सकते, क्योंकि ये अभी यहाँ से नज़र आएगा नहीं सही तरीके से अहमद। तो चाबी जो है जिनके पास है वो मिल सकती है चाबी? वो बड़ों के पास होती है, यहाँ तो मेरे फादर हों तो वो सकते हैं। आते हैं कभी यार? फादर तो ज़ाहिर होते हैं। नहीं नहीं मतलब कि टाइमिंग उनकी कोई? हाँ वो ज़ाहिर है शाम को या इतवार वाला दिन होता है। इतवार वाला दिन छुट्टी होती है सारों को, वो फिर दिखा देते हैं, मुझे इजाज़त नहीं है कोई भी दिखा। ठीक हो गया, इसकी चाबी भी फादर हाँ, तो मैं शाम को अगर चक्कर लगा लूँ इतवार को या इतवार वाला दिन सुबह के टाइम पे आ जाऊँ? इतवार वाले दिन आप लगा लें, चक्कर लगा लो ना, बस ठीक हो गया। तो ये है जी रानी गुल बेगम का मकबरा, जो कि रंजीत सिंह की मुसलमान वाइफ थी, बीवी थी। और ये जो जायदाद है ये उनको रंजीत सिंह की तरफ से मिली थी। और ये जो है हम इंशाल्लाह ताला इतवार को चक्कर लगाएंगे और फिर इसको अंदर से आप लोगों को दिखाएंगे। चले जी, थैंक यू सो मच, आ जाए अहमद। अच्छा ये ऊपर जो है ये क्या बना हुआ है? ये भी बस वही जो एंट्रेंस है वो ऊपर चल के देख, बना हुआ था, देख लें ऊपर चल के देख लें। चलो जी ऊपर चलते हैं। और ऊपर चल के जगह देख लेते हैं। और ये बेसिकली कुआं टाइप कुछ बना है क्या? कुआँ नहीं है?
अच्छा जी, ऊपर चलते हैं और बहुत ठीक ठाक किस्म की यहाँ पे मक्खियाँ हैं। चलो अल्लाह का नाम लेके चढ़ते हैं। अरे अंदर तो एक कुत्ता भी सो रहा है, काटेगा तो। चलो भाई यहीं से बना लेते हैं, इससे पहले कि ये भड़क जाए और काटने वाले। क्या ख्याल है? चले जी। गालबन यहाँ पे मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट कोई गवर्नमेंट ने कोई करी हुई तो थी कि ये भी आप लोगों ने डस्टबिन वगैरह लगाए? ये तो हमने लगाए हैं, असल में हमारा इसको कोर्ट से केस भी चल रहा है। अच्छा, केस चल रहा है, इस वजह से ये अभी हमने स्टे लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? नहीं, वो असल में इसका तो नहीं है। हाँ, वो हमारे घर भी आते हैं, वो एक अलग सा मामला है। हाँ, तो वो उस चक्कर में अभी स्टे है, तो इस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। पहले हमने यहाँ पे दीवारें ऊंची की थी। अच्छा, तो उन्होंने वो भी गिरा दी इनकी। तो वो कहते क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? नहीं, असल में सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, वो जो केस है वो हमारा गवर्नमेंट वर्सेस हम है। हाँ, और वो असल में कब्रिस्तान कमेटी वाले उनके। ओ, अच्छा। आपने आज से 2 साल पहले कभी सुनी हो तो ये हाथे टूटने की काफी खबर आई थी यहाँ पे मियानी साहब की। हाथे टूटने की लोगों ने लिए होते ना अपने प्राइवेट हाथ, जिन्होंने अलॉटमेंट कराई होती है, जिसके कोई कागजात नहीं होते, उसकी वजह से एक चक्कर बना था। तो फिर वो हमारी भी तो तोड़ गए थे, उससे पहले तो काफी हमने साफ करवाया हुआ था। यानी कि अंदर ये ऐसे नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो है वो यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि इतनी हेरिटेज जो है उसको मेंटेन किया जा सके और जो है ना इस जगह को बाकायदा प्रॉपर तरीके से रेनोवेट किया जाए, और गवर्नमेंट जो है वो थोड़े ना पैसे वैसे निकाले और एक अच्छी जो है ना हमारा टूरिज़म लाहौर का बढ़ सकता है अगर ये जगह अच्छे तरीके से वो लोग रेनोवेट कर दें। ठीक हो गया अहमद, इंशाल्लाह मैं फिर